नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पी एस टी क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। विभाग की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है, विभाग कब से काउंसिलिंग स्टार्ट करवा रहा है, काउंसिलिंग लिस्ट कब जारी कर रहा है, और जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के बारे में, वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, क्या सच में इसमें एग्जाम के आधार पर इस वैकेंसी क्लियर करेगा या काउंसलिंग के आधार पर, क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, और कल बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट पर जो वीडियो बनाए थे उसमें कुछ रॉन्ग बता दिए थे, क्या रॉन्ग बताए थे, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आप लोग के द्वारा एक ही सवाल, जो कि कॉमन 4-5 स्टूडेंट एक ही सवाल करते हैं, जो सर फालतू आप वीडियो बनाते हैं, क्यों ऐसा वीडियो बनाते हैं, और आप बोले थे अगर इसमें एग्जाम लगा दिया जाएगा तो आप कोर्ट में केस करेंगे, तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। तो दोस्तों पी एच डी की क्लासेज हमेशा स्टूडेंट के हक के लिए लड़ता है और हमेशा स्टूडेंट के हक के लिए लड़ेगा। 49,000 स्टूडेंट के लाइफ का सवाल है, आप अपने के लिए मरते हैं और पी एच डी की क्लासेज सभी स्टूडेंट के लिए मरता है। इसीलिए आज बताने वाले हैं जो इसमें क्यों नहीं एग्जाम के आधार पर इस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बी टी एस सी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरा है और वह चाह रहा है जिस वैकेंसी को इस बार मेरिट के आधार पर बहाल किया जाएगा। सभी स्टूडेंट बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, और क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, विभाग यही स्पष्टीकरण कल जारी किया था, वेबसाइट पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम पढ़ के भी सुनाए थे। ध्यान से सुनिए इसको, कल हम रॉन्ग क्या बता दिए थे। सो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि एवं आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के बीच की अवधि में अधियाची विभाग के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशों तथा आयोग के निर्णय के आलोक में विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार सुधार किया जा सकता है, संशोधन किया सकता है। ध्यान समझिए, जब विज्ञापन जारी हो गया है तो जब तक अंतिम तिथि तक, फॉर्म भरने का अंतिम तिथि तक ही विभाग और सरकार इसमें संशोधन कर सकता है। उससे पहले जो है, अगर वो अंतिम तिथि खत्म हो गया तो नहीं संशोधन कर सकता है। देख लीजिए, जो कि हम कल बोले थे, जो अंतिम तिथि खत्म होने के बाद जब चाहेगा तब सरकार या विभाग इसमें संशोधन कर सकता है, इसलिए इसमें एग्जाम लगा दिया, जो कि हम गलत बोले थे, क्योंकि जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जो पदाधिकारी से, वो स्पष्ट रूप से बोल दिए जो तिथि तक फॉर्म अप्लाई होगा, अप्लाई तक ही, अंतिम तिथि जिस दिन होगा उसी दिन तक सरकार या विभाग इसमें संशोधन कर सकती थी, बट अभी कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्रूटनी भी हो गया है। 32,000 स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए भी सब कुछ रेडी हो गया है, और अभी जो है आपको पेपर में 2 दिन देखने को मिला है जिसमें एग्जाम के आधार पर इसको क्लियर किया जाएगा, जो कि हर हाल में कहीं भी एग्जाम नहीं होगा। आप लोग बोले थे जो कोर्ट में केस कीजिएगा तो हार जाएंगे, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो भी विज्ञापन जारी हो जाता है तो विज्ञापन जारी जिस समय होता है और जिस नियमावली पर विज्ञापन जारी होता है उसी नियमावली पर उस वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा, तो इसीलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है। अभी देखिए बिहार अमीन में 1767 पोस्ट के लिए ऐसा ही आया था, उसके लिए उसमें जो है 12th के लिए दे दिया था डायरेक्ट, 12th पास स्टूडेंट भी भर सकता है, उसमें क्या हुआ बाद में विभाग ने इसको रद्द कर दिया था, तो हम लोग क्या किए, जो सुप्रीम अभी पटना हाईकोर्ट में केस किए, और केस करके वैकेंसी को हम लोग जो है जीते, स्टूडेंट के हक में पटना हाईकोर्ट सुनवाई किया, उसके बाद 1767 स्टूडेंट को विभाग को ज्वाइनिंग करवाना पड़ा। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि वह वैकेंसी 2019 में जो निकल के आई थी 1767 पोस्ट में, जिसमें 12th पास ही स्टूडेंट को अप्लाई करने को मौका दिया गया था, और बाद में सरकार बोली और आयोग बोली नहीं, इसमें अमीन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, और वैकेंसी को विभाग रद्द कर दिया था। तो सभी स्टूडेंट पटना हाईकोर्ट में हम लोग केस करवाए, उसके बाद केस हम लोग जीत गए, तो विभाग को सभी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग करवाना पड़ा काउंसलिंग करवा के, तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, पी एच डी की क्लासेज हमेशा आपके साथ है। और यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर सुधार करना था, हर चीज करना था, तो आवेदन के लास्ट डेट तक ही सुधार या संशोधन कर सकता था, अभी कोई सुधार या कोई संशोधन नहीं होगा, कोई नियमावली 2023 का इसमें काम नहीं करने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट आदेश है, इसलिए आप लोग को हैरान नहीं होना है, सिर्फ पी एच डी की क्लासेज का आप सपोर्ट कीजिए। अगर विभाग इसमें एग्जाम लगाता है तो हम लोग पटना हाईकोर्ट में केस करेंगे, और केस करेंगे तो हम लोग केस आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि पूरा एविडेंस हम लोग के पास है, इसलिए आपको हैरान नहीं होना है, और खासकर पी एच डी की क्लासेज आपके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़ा रहेगा, क्योंकि 49,000 स्टूडेंट के लाइफ का सवाल है,
और आप 2, 4, 5 स्टूडेंट आते हैं और उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, व्यू के लिए वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं, इससे आपको क्या लाभ मिलता है? तो दोस्तों लाभ तो हमें कुछ नहीं मिलता है, ध्यान समझिए, क्योंकि स्टूडेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट हमें सपोर्ट कर रहा है, बस यही लाभ मिलता है। इसीलिए देख लीजिए इतना मेरे साथ घटना होने के बाद लगातार हम बने हुए हैं, लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, लगातार सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। PHC की क्लासेज हमेशा आपके साथ है और हमेशा खड़े रहेगा, महीना के 30 दिन और सप्ताह के 7 दिन आपको हमेशा खड़ा मिलेगा। इसीलिए वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर अपने कम से कम दो दोस्त की इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसे भी पता चले जो विभाग जो है अभी इसमें एग्जाम लगा रहा है सरासरी वो गलत कर रहा है, क्योंकि एविडेंस सभी स्टूडेंट के पास है। परेशान नहीं होना है, PHC की क्लासेज आपके साथ है, स्कूटनी भी हो गया, हर चीज़ हो गया, सिर्फ काउंसलिंग डेट भी बन चुका था, सब कुछ हो चुका था, जो पूरा 1 महीना काउंसलिंग चलने वाला था। और अभी जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिला है वहाँ से बोला है सर 1 से 2 सितंबर तक नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा और 5 से 6 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होगा। तो देखिए क्या कुछ अपडेट निकल के आती है। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। PHC की क्लासेज आपके साथ हैं, कम से कम एक स्टूडेंट दो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और PHC की क्लासेज सभी स्टूडेंट को बोलिए जुड़ने के लिए। और सभी स्टूडेंट PHC का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वादा है PHC की क्लासेज का, जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो देखते हैं सभी को ज्वाइनिंग करवा कर छोड़ेंगे। और हर हाल में ज्वाइनिंग होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा 1, 2, 3 के आप लिख लीजिए। अगर एग्ज़ाम होगा तो पटना हाईकोर्ट में हम लोग केस करेंगे और केस करेंगे तो हम ही लोग जीतेंगे। थोड़ा डिले होगा ठीक है मानते हैं, बट हम ही लोग जीतेंगे, सफलता मिलेगी देर से ही सही मगर सफलता मिलेगी। इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, PHC की क्लासेज आपके साथ है और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और स्टूडेंट को जोड़िए PHC की क्लासेज से। थैंक यू।